आपको मैं देखा स्पाइसी चटनी देखो ये क्या गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरे दिखो रहा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। वैसे अभी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून भी नहीं, दोनों के बीच का टाइम कह सकते हैं, बिकॉज 12 बज गए हैं, यानी कि गुड आफ्टरनून अभी होने ही वाला है। सो अभी से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी मैं नीचे जा रही हूँ किचन में लंच बनाने के लिए, और आज मुझे जल्दी जल्दी से लंच बना के दोपहर के टाइम पे करनी है टेरेस की क्लीनिंग, बिकॉज कल ही मैंने दिखाया था बहुत गंदी हो गई है पूरी की पूरी टेरेस, बिकॉज अब जो सर्दियां स्टार्ट हुई है उसके साथ ना धूल बहुत ज्यादा उड़ती है, तो पूरी टेरेस गंदी हो गई है। प्लांट्स भी मुझे थोड़े बहुत नए लेके आने हैं, तो उसका भी सब प्लांट्स भी मुझे चेक करने हैं, जो सूख गए हैं उसे जाने देना है, तो वो सब दोपहर के टाइम को मैं करने का सोच रही हूँ। तो अब आगे आगे देखते हैं। अभी तो मैं नीचे किचन में जाऊंगी, जल्दी जल्दी से लंच बना लूंगी, ताकि हेमल जब मार्केट से आए तो जल्दी जल्दी से वो लंच कर ले, तो मैं भी फ्री हो जाऊं, और फिर यहाँ पे ऊपर आके क्लीनिंग करूंगी। और नीचे सब कुछ ऑलमोस्ट मेरा सुबह का सब कुछ काम हो गया है। वो क्या है ना, कभी 2-3 दिन से रात को सोने में लेट हो जा रहा है, 4-5 बज जा रहे हैं, तो फिर उतना ही सुबह थोड़ा उठने में भी लेट हो जाता है। तो आज मैं 9:30-10 बजे तो उठी, फिर जल्दी जल्दी से जग के फ्रेश होके काम सब कुछ किया ना, तो लेट हो गया। अभी मैं किचन में जा रही हूँ, जल्दी जल्दी से लंच बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे आगे हम लोग क्या करते हैं। सो गाइस, अभी मैं नीचे आ गई हूँ, चलिए तो फटाफट से जल्दी मतलब किचन में, और शोर शराबे की तो क्या बात करें। चलिए तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से किचन में चलती हूँ और खाना बना लेती हूँ सबसे पहले। तो अब क्या बनाना है वो भी अभी डिसाइड करना बाकी है, तो वो करूंगी, फिर थोड़ा बहुत क्लीनिंग सब कुछ काम बाकी है। जल्दी जल्दी से चले, पहले तो खिचड़ी बनाने का सोच रही हूँ, तो खिचड़ी चढ़ा देते हैं, वैसा सब कुछ करते हैं, सब कुछ इधर उधर है अभी तो किचन में भी, तो सब कुछ पहले सही से भी रख देती हूँ। तो गाइस, हम लोग बैठ गए हैं लंच करने के लिए और हेमल भी यहाँ पे आ गए हैं। कब से हेमल का वेट कर रही थी, पूरा काम हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत बैठ भी लिया मैंने कितनी देर, तब जाके हेमल आए हैं। अभी 2 बज गए हैं, 2:20 हो गई है, और देखिए अब हम लंच करने बैठे हैं। तो हाय हेमल। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून। डेली का होता है आपका, ये डेली का होता है। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, मिक्स हो जाता। हाँ, जय श्री कृष्ण। चलिए तो लंच रेडी है। चलो, मुझे तो एकदम से भूख लगी है, वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा है। 3 दिन से ठंड इतनी और सडनली निकली है ना, अरे क्या ही बात बोले। चलिए तो चलो फटाफट से। सो गाइस, यहाँ पे हमारी प्लेट भी एकदम से रेडी है, तो देखिए यहाँ पे हमारी प्लेट रेडी है। आज इतनी सारी चीजें बनाई है मैंने, देखिये यहाँ पे है खिचड़ी, उसके साथ यहाँ पे कढ़ी, यहाँ पे ये ग्रेवी वाली सब्जी है आलू और प्याज की, और जैसे बैंगन, जैसे हम लोग मिर्ची को स्टफ्ड भरते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है अंदर बेसन का आटा स्टफ करके। यहाँ पे बाजरी का रोटला, पापड़, और ये क्या है अमल, लेमन। और इन सब के साथ है देखिए यहाँ पे कर्ड और मक्खन वाली बटर मिल्क। चलिए तो कर लेना है ना लंच। चलो, मुझे तो भूख लगी। चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं लंच, और लंच करने के बाद बहुत सारा मुझे काम है, तो वो सब मैं फिनिश करूंगी और हेमल जाएंगे वापस अपना मार्केट अपना काम फिनिश करने के लिए। सो हे गाइस, हो गया है हमारा लंच कम्प्लीटली, और लंच करने के बाद जो कुछ भी काम होता है वो सब भी मेरा फिनिश हो गया है। और लंच करने के बाद मैं सीधा यहाँ पे कर रही थी क्लीन, यहाँ से ये सब कुछ मैंने निकाल दिया है, और देखिये माता रानी को वापिस से यहाँ पे अच्छी तरह से रख दिया है। अब जो कुछ भी दूसरा सामान है, और देखिये यहाँ पे अब पूरी यहाँ की क्लीनिंग करनी बाकी है, तो वो सब करूंगी, सब कचरे को इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे क्लीनिंग बाकी है तो वो करूंगी, थोड़ा बहुत यहाँ से सामान ऊपर ट्रांसफर करना है, वो सब कुछ अब करूंगी। तो बस मैं लंच करने के बाद सीधा वो कर रही थी। चलिए तो अब जल्दी जल्दी से वो फिनिश कर लेती हूँ, और फिर देखते हैं शाम के टाइम को कहीं बाहर जाना होगा तो जाएंगे, आज तो कहीं मार्केट में तो कुछ काम नहीं है, देखते हैं आगे आगे क्या करें। अभी तो फिलहाल ये सब कुछ पहले क्लीन कर लेती हूँ। वैसे मैं टेरेस की क्लीनिंग करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि पहले यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी ऊपर और बाद में ही टेरेस की क्लीनिंग करेंगे। सो चलिए फिलहाल पहले अभी ये सब कुछ मैं क्लीन कर लेती हूँ। 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. फाइनली यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है, और देखिये पूरा सामान हट गया ना, तो एकदम से आवाज गूंजेगी और बेडरूम में नहीं आवेगी आवाज, और देखिए सडनली यहाँ पे आएंगे तो आवाज बहुत ज्यादा गुंजेगी, बिकॉज सारा सामान ही निकाल दिया है। यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीनिंग हो गई है, सारा सामान ऊपर चला गया है,
ये बोतल सभी सारी की सारी नीचे चल जाएगी, तो यहाँ पे भी क्लीन हो जाएगा। ये मम्मी को घर पे देना है और इसमें जो फेंकने का है वो सब कुछ है, यहाँ पे भी सब कुछ क्लीनिंग हो गई है। तो हे गाइस, हो गए हैं हम लोग रेडी जाने के लिए घूमने। क्या पूरे के पूरे 10 जैकेट है अमल के पास, फिर भी कुत्ते के जैकेट कहाँ है। पूरी की पूरी लाइन लगा के दी है मैंने वहाँ कबट में। पता होगा फिर भी तुम्हें पूछने में ही मजा है, क्या करे, पूछना ही पड़ता है अमल को, सामने होना फिर भी उसे मिलता नहीं। क्या पहनना वो नहीं, हाँ वो तो कभी नहीं पूछेंगे क्या पहनूं, पर सिर्फ पूछेंगे कहाँ पे है, सामने ही होता है फिर भी नहीं मिलता। सही है हेमल। और अभी रात के 9 बज गए हैं, मैं कब से हेमल का वेट कर रही थी, तो हेमल ने सडनली आके बोला कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। वैसे भी कितने दिनों से नहीं गए हैं, और मैं कितने दिनों से बाहर पोरबंदर में राइड्स लें, बाइक राइड लेने तो हम लोग गए ही नहीं है ना, बस मार्केट में जाए, काम फिनिश कीजिए और घर पे आ जाइए। तो आज हम लोग जा रहे हैं बस चिल होके घूमने। चलिए चलो वॉक करके जाना है। चलो मैं तो करूंगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। चलिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक राइड लेने के लिए और बस घूमने के लिए। रेडी? यस। देखिए हेमल भी यहाँ पे रेडी है और मैं तो रेडी कब से ही हूँ। सब दुकानें क्लोज हो रही है बिकॉज 9 बज गए हैं। और आजकल ना वेदर 2-3 दिन में चेंज हुआ है, इतनी ठंड बढ़ गई है, बढ़ गई है, क्या ही बोले। ठंडा ठंडा होता है ना मौसम, तो गरम गरम खाने का मजा आता है। चाय तो मैं पीती नहीं थी, वैसा बोलूँ की चाय पिला दी मुझे ना, स्वीट कॉर्न कप का खाने का मन था। स्वीट कॉर्न होता था, अभी हम लोग यहाँ पे स्वीट कॉर्न खाने को आए हैं बिकॉज हेमल को ना स्वीट कॉर्न खाने का मन हो गया। क्यों हेमल? बहुत अच्छा मिलता है। देखिए यहाँ पे सब लोग मस्त ठंडी में खा रहे हैं, सब कुछ मजा आता है ना। नहीं गरम गरम सब कुछ खाने का मजा आता है। चाउमीन नहीं, वैसा कुछ नहीं खाना, हम लोग सब स्वीट कॉर्न खाएंगे, बॉइल्ड चीज वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारी स्वीट कॉर्न आ गई है गरम गरम, हेमल की फेवरेट। और हेमल कुछ दूसरा भी ऑर्डर देके आया, अभी अभी क्या देके आया? दूसरा देके आएगा, वो भी आएगा तो पता चलेगा। चलिए तो स्वीट कॉर्न खाते हैं हम लोग। सुपर गरम गरम है, गरम है ना, बहुत है, बहुत है। यहाँ पे बैठे बैठे इतनी अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है चारों तरफ से। ना खाने का मन हो ना उसे भी खाने का मन हो जाएगा, ऐसी स्मेल आ रही है आजू बाजू में से। क्या है क्या? वड़ा पाव? बॉम्बे गए नहीं और वड़ा पाव। देखिए यहाँ पे वड़ा पाव ऑर्डर करके आए थे हेमल। आजकल ना बॉम्बे साइड जाने में भी खतरा हो गया है, बाहर ही नहीं जाना, बॉम्बे साइड नहीं, पोरबंदर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते आजकल ना, कोविड के ज्यादा केसेस आ रहे हैं बाहर से, अभी देखते हैं। रिच तुम्हें पसंद है वड़ा पाव? हाँ, बहुत ज्यादा। कैसे चटनी में डुबो के? कैसा है टेस्ट? बढ़िया। चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। बढ़िया, पूरा फिनिश हो गया यहाँ पे, सुपर था ना, बस मजा आया। चलिए अभी हो गया हमारा थोड़ा सा नाश्ता, बहुत अच्छा था, स्वीट कॉर्न खा के भी बहुत मजा आया, वड़ा पाव खा के भी बहुत मजा आया। सो चलिए अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है हम, चलिए। और कुछ खाना है तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, नहीं? So guys, चलिए हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, ऑलमोस्ट चलते हैं हम लोग यहाँ से। अब जाएंगे हम लोग बाइक राइड लेने के लिए और यहाँ से दूसरी जगह पे घूमने के लिए। मजा आया,
पर तो ऐसा हो गया, गरम गरम भी खाया और वड़ा पाव भी गरम और वो भी गरम, और वड़ा पाव की चटनी इतनी स्पाइसी थी ना, अभी भी मुंह में बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा लगा। कितने टाइम के बाद ऐसे स्ट्रीट फूड खाने का मौका मिला, वरना घर पे पार्सल मंगवाते थे और ऐसे खा लेते थे या तो कहीं रेस्टोरेंट में जाते, पर स्ट्रीट फूड का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है, मज़ा आता है, और वहाँ पे बैठ के उसमें भी खाए ना तो सुपर हो जाता है। चलिए तो वापस आज आप लोगों को हमारा पोरबंदर का सबसे फेमस रास्ता दिखाती हूँ, दोनों तरफ माउंटेन वाला। चलिए तो चलते हैं हम लोग। To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me. Hey, well, हम चौपाटी क्यों जा रहे हैं? चौपाटी तुम्हें पता? और यहाँ पे कुछ शादी है या कथा है पता नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे, डेकोरेशन भी है देखिए। अभी ना अभी थोड़ी शादी है, अभी तो शादी नहीं होगा, पता नहीं। की सीजन अभी एक महीने तक, एक वन मंथ तक ऑफ है ना। अब यहाँ पे कोई हो तो अच्छी बात है, ठंड की वजह से देखिए कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। बिकॉज मुझे खाने का मन हुआ सडनली ही गोलगप्पे, तो हम लोग आए तो है यहाँ पे, बट दिखाई नहीं दे रहा है कि गोलगप्पे वाले भैया यहाँ पे है। बिकॉज एक ही सिर्फ यहाँ पे ओपन है, वो भी बादाम शेक, देखो बोला नहीं गोलगप्पे वाला है ही नहीं यहाँ। तो गाइस अभी ना हेमल मुझे लेके आए हैं मोमोज खाने के लिए, जो कि मैंने पहले कभी नहीं खाए हैं। तो आज हेमल ना आज स्ट्रीट फूड खाने का ही मन है मुझे, तो हम लोग अभी मोमोज खाने के लिए आए हैं। जो हेमल बोलिए कैसे होते आपने खाए? अभी ट्राई करते हैं, मैंने भी नहीं खाए, पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं। चलिए तो आज तो स्ट्रीट फूड ही खाएंगे, ठीक है? अलग अलग गरम गरम फाइनल हमारे मोमोज आ गए हैं, टेस्ट करके दिखाओ कैसा है। तो पता है कैसा है, चटनी है सुपर। हाथों में से स्पाइसी चटनी, देखो ये क्या, ये नई डिश है चाइनीज मिक्स मोमोज। तो अभी ये कुछ दूसरा आया है, हेमल टेस्ट कर रहे हैं चाइनीज फ्लेवर का है क्यों हेमल? बहुत ही टेस्टी है, और इसमें से धुमाड़े निकल रहे हैं। मोमोज की चटनी सुपर स्पाइसी थी। हेमल अब क्या आया देखिए, गर्मा गर्म ड्राई मंचूरियन यहाँ पे देखते हैं। आज तो मजा आ गया ना, आज तो पूरा पूरा। तो गाइस आज तो सडनली ही हेमल ने इतना सब कुछ मंगवा लिया ना कि यहीं पे पूरा पेट भर गया है, घर जाके खाना भी नहीं पड़ेगा अब तो। क्यों हेमल गरम गरम खा के बहुत ज्यादा मजा आ गया, पूरी की पूरी ठंड ही चली गई, ऐसा हो गया कि ठंड चली गई ना। घर से निकले थे ना तब बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, अब सब गरम गरम खा के बहुत मजा आ गया। फाइनली फिनिश ना सब कुछ, चलिए अब चलते हैं। चलो तो हे गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वापस घर पे, बहुत ज्यादा मजा करके, घूमने में भी बहुत ज्यादा मजा आया। और हम लोग गए थे, वैसे तो घूमने ही गए थे, कुछ खाने पीने का प्लान नहीं था, फिर सडनली ही हेमल को स्वीट कॉर्न खाने का मन हुआ जो बॉयल आते हैं, तो हम लोग वो खाने गए। तो वहाँ बाजू में ही फास्ट फूड की शॉप थी, तो वहां से वड़ा पाव लिया तो वो भी खाया, और फिर मैंने बोला कि हम लोग मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो हम लोग चौपाटी गए तो गोलगप्पे तो नहीं मिले, बट उसके बाद हम लोग ने मोमोज खाए। फर्स्ट टाइम मैंने मोमोज खाए, बहुत अच्छे थे, टेस्टी। वहां पे हम लोगों ने मोमोज खाए, फ्राई मोमोज खाए और मंचूरियन खाए हम लोगों ने, ग्रेवी वाले, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था। और पूरा स्ट्रीट फूड खा के आज बहुत ज्यादा सडनली ही प्लान बन गया, वैसे हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, सडनली ही स्ट्रीट फूड खा के बहुत ज्यादा मजा आया। अब सीधा एडिटिंग पे बैठूंगी, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, 11 बज गए हैं आज भी, वापस अब सब कुछ काम करके सोऊंगी तो बहुत ज्यादा आज भी लेट हो जाएगा। सो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग अब यही पैन करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मैं भी ट्राई करता हूँ।